बरूड क्षेत्र में एक ओर जन अभियान परिषद पखवाड़ा चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत की उदासीनता नोनीहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ग्राम के आंगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 8 के नजदीक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को उस गंदगी पर से आना जाना पड़ता है एवं उस गंदगी से मच्छर इत्यादि पनपते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं नजदीकी रहवासियों ने ग्राम पंचायत बरूड के सचिव एवं सरपंच को कई बार अवगत कराया, परंतु विभाग के पदाधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में हमने सरपंच सचिव से जानकारी संबंधित पूछा गया तो बस उनका वही रटा रटाया जवाब कि मैं मामले को दिखवाता हूं। अब देखना यह है कि लाखों रुपए साफ सफाई पर सरकार खर्च करने के बाद भी क्षेत्र की व्यवस्था के लिए बार बार दरकार लगाना पड़ रहा है और फिर भी साफ सफाई नहीं हो रही है, यह आखिर कब तक चलेगा। बरूड से जयंत गुप्ता के साथ रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आपको ये गंदगी से क्या समस्या है? हाँ सर, गंदगी से ये भी समस्या है कि आंगनवाड़ी को मैडम को 10 बार बोला, ने बोला कि ने हमने आवेदन पंचायत में लगा दिया, पंचायत वाले सुन नहीं रहे। पंचायत वालों का क्या कहना पड़ रहा है? पंचायत वाले कहाँ कर रहे हैं, 10 बार जाके बोला है। मैडम बोलती मैंने 10 बार आवेदन लगा दिया, ट्यूबवेल भी नहीं आई, कचरा भी यहीं डालते, लाइन भी नहीं है इधर। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। ट्यूबवेल भैया ये गंदगी साफ होती नहीं, कई बार अपने पंचायत द्वारा में बोल के आए हैं सरपंच मंत्री को, कई बार बोला हमने ये गंदगी पूरी आप देख लो, पूरी यहाँ से वहाँ तक कभी सफाई नहीं हुई। हम लोग यहाँ रहते हैं, आसपास परिवार भी रहता है। मंत्री महोदय को आवेदन दिया है आपने? मंत्री जी को तो एक बार मैंने फर्स्ट बार बोला था, अभी प्लस जो नए सरपंच साहब महोदय जी जो बैठे हैं उनको अपन ने बोला नहीं है, और जो है ये आपके सामने सर। ठीक, क्या नाम है आपका? दीपक मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।